सब्सक्राइब करें नेमीचंद 99 के चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में निर्विजन कैप्सूल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये निर्विजन स्टैंडर्ड क्वालिटी का कैप्सूल है एवं इसके रिजल्ट स्टैंडर्ड है। फ्रेंड, निर्विजन कैप्सूल को कौन सी कंपनी बनाती है, निर्विजन कैप्सूल के कौन कौन से उपयोग है, निर्विजन कैप्सूल में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं एवं निर्विजन कैप्सूल को किस बीमारी के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाया जाता है एवं निर्विजन कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं एवं निर्विजन कैप्सूल की क्या वार्निंग्स है एवं निर्विजन कैप्सूल कौन कौन सी मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करती है, इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, देखते रहिए वीडियो। फ्रेंड्स, निर्विजन कैप्सूल को जेनबुर्कट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। फ्रेंड्स, निर्विजन कैप्सूल को जेनबुर्कट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी बनाती है जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है एवं स्टैंडर्ड कंपनी है। फ्रेंड्स, निर्विजन कैप्सूल में इच साफ्ट जेंथ कैप्सूल में कंटेंट्स मिले होते हैं जिसमें पहला कंटेंट्स है मिथाइल कोबलामिन, दूसरा कंटेंट्स है B6, तीसरा कंटेंट्स है अल्फा इफोलिक एसिड, चौथा कंटेंट्स है थायमिन, पांचवा कंटेंट्स है पायरीडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, छठवा कंटेंट्स है निकेटिनामाइड, सातवां कंटेंट्स है फोलिक एसिड आदि। फ्रेंड, इस प्रकार के कंटेंट्सों से मिलकर बना निर्विजन कैप्सूल स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। फ्रेंड्स, निर्विजन कैप्सूल के क्या उपयोग है? फ्रेंड्स, निर्विजन कैप्सूल के निम्न उपयोग है। यदि आपको पोषण की कमी है तो निर्विजन कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें बेस्ट रिजल्ट है। एनर्जी में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। कमर दर्द में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। फ्रेंड, निर्विजन कैप्सूल का उपयोग निम्न बीमारी या डिजीज के परिस्थिति लक्षणों के उपचार नियंत्रण रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। फ्रेंड, यदि गर्दन का दर्द है आपको तो निर्विजन कैप्सूल का उपयोग स्टैंडर्ड है। आधा सीसी अर्ध कपारी डिजीज एक बीमारी होती है, इसके ट्रीटमेंट में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। गठिया डिजीज में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है तो आप निर्विजन कैप्सूल ले सकते हैं, इस बीमारी में बेस्ट रिजल्ट है। यदि आपको विटामिन B6 की कमी है तो आप निर्विजन कैप्सूल ले सकते हैं, इसमें बेस्ट रिजल्ट है। निचली कमर में दर्द है तो निर्विजन कैप्सूल आप ले सकते हैं, इस बीमारी में बेस्ट रिजल्ट है। मधुमेह संबंधित तंत्रिका तंत्र विकृति में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। अस्थि संधि शोथ डिजीज में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। तंत्रिका विकृति दर्द में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। अर्धजीर्ण नसों के दर्द में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। नर्वी कपाल तंत्रिका में जलन की वजह से दर्द होता है तो इस निर्विजन कैप्सूल को ले सकते हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट है। चेहरे की नसों में दर्द में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। वजन घटना इस डिजीज में निर्विजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। मधुमेह संबंधित पोलीन्यूरोपैथिक
में बेस्ट रिजल्ट है। मुंह की जलन में इस नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। नेत्र रोग में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। थायमिन की कमी में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। बेरी बेरी डिजीज में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। ग्रीवा कैंसर में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। मुहासे में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। अपर्याप्त आहार की कमी में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। उच्च कोलेस्ट्रॉल में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। दस्त यदि लग रही है तो नरविजन कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। भूलने की बीमारी में नरविजन कैप्सूल का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ध्यान अभाव में नरविजन कैप्सूल का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। न्यूरोटॉक्सिसिटी में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। सैलिसिलेट विषाक्तता में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। सफ़ेद बालों में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। गंजापन में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। मानसिक अवस्था में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। हाइपोथायराइडिज्म में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। फोलिक एसिड की कमी के कारण में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। मेगालोब्लास्टिया एक बीमारी होती, उसके ट्रीटमेंट में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। रक्त अल्पता में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। पौष्टिक आहार में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। गर्भावस्था में नरविजन कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। बचपन के रक्तहीनता के उपचार में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है। फ्रेंड, इस प्रकार की सभी बीमारियों में नरविजन कैप्सूल का बेस्ट रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फ्रेंड, नरविजन कैप्सूल के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? फ्रेंड, नरविजन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट में पहला साइड इफ़ेक्ट है चक्कर आ सकता है आपको, सिर में दर्द हो सकता है, गले में तंगी आ सकती है, दस्त लग सकते हैं, धुंधली दृष्टि आ सकती है, मितली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, खुजली आ सकती है, पित्ती त्वचा पर लाल लाल चकत्ते आ सकते हैं, दुर्बलता आ सकती है। फ्रेंड से इस प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट कभी कभार आ सकते हैं, जो हमेशा के लिए नहीं रहते। फ्रेंड्स, नरविजन कैप्सूल की कुछ वार्निंग है। फ्रेंड, पहली वार्निंग है मधुमेह डिजीज में नरविजन कैप्सूल का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। इसे अपने आप कैप्सूल को ना ले, किसी डॉक्टर के परामर्श पर इस कैप्सूल को ले। फ्रेंड्स, नरविजन कैप्सूल को खाना खाने के 2 घंटे बाद खाली पेट में ले सकते हैं। गर्भवती महिला को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। गर्भवती होने की योजना में सावधानी पूर्वक उपयोग करें। गर्भ अवस्था में सावधानी पूर्वक उपयोग करें। किडनी की खराबी डिजीज में सावधानी पूर्वक उपयोग करें। गुर्दे की खराबी में सावधानी पूर्वक उपयोग करें। यकृत हानि से पीड़ित में सावधानी पूर्वक इस मेडिसिन का उपयोग करें। फ्रेंड्स, ये कुछ सावधानियां हैं। फ्रेंड्स, नरविजन कैप्सूल कौन कौन सी मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करती है? फ्रेंड्स, नरविजन कैप्सूल पहली मेडिसिन है अबाका वीर। इस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है। एल्कोहल, इस के साथ नरविजन कैप्सूल इंटरेक्ट करती है। अलमोर थायराइड, इसके साथ में नरविजन कैप्सूल इंटरेक्ट करती है।
एट्रोपिन टेबलेट के साथ में नरविजन कैप्सूल इंटरेक्ट करती है। कार्बामेप्राजीन के साथ नरविजन कैप्सूल इंटरेक्ट करती है। क्लोरोफेनिकॉल कैप्सूल के साथ नरविजन कैप्सूल इंटरेक्ट करती है। क्लोरोप्रेमाल्जिन के साथ ये दवा इंटरेक्ट करती है। क्लोरथायराइडिन के साथ ये दवा इंटरेक्ट करती है। सिप्रोविन के साथ ये दवा इंटरेक्ट करती है। फ्रेंड्स, कुछ ये मेडिसिनों के साथ नरविजन कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंटरेक्ट करती है। फ्रेंड, नरविजन कैप्सूल के क्या डोजेज हैं या खुराक है? फ्रेंड, नरविजन कैप्सूल को सामान्यतः डॉक्टर की देखरेख या डॉक्टर के सलाह पर उपयोग करें। फ्रेंड्स, नरविजन कैप्सूल की एक टेबलेट सुबह खाना खाने के एक घंटा पहले या एक घंटा बाद ले एवं रात्रि में खाना खाने के बाद एक घंटे बाद ले। फ्रेंड्स, ये डोजेज है। नरविजन कैप्सूल को बीडी डोज में लेना फायदेजनक होता है। फ्रेंड, यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। फ्रेंड, इसी के साथ आज की ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।